इतने से कहीं दिम नहीं जितने काट दिए इतने ही। तो रितिका कॉफी ले आई है साथ साथ में सरो करीब गाइस। ओ सॉरी कॉफी डंडा ले और इसमें से खा लिए गए हैं हन्नी द्वारा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आशा करते हैं आप भी सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और आज किचन से शुरुआत और लाग रही है और मैं ना धोली हूँ, शरदोरी हूँ, क्योंकि ना मेहंदी लगाई थी, आप तो बताई थी कि ऑयल लगा रखा था बहुत सारा, तो सरवर धो लिया है मैंने और छोकूंगी सब्जी, हरी सब्जी बनाऊंगी। तो चलो मैं अपनी तरीका बताऊँ कि पालक पनीर बनाओ ना सब, तो मैं हरी सब्जी पनीर बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हरी सब्जी ना, तो पनीर घेर दूंगी ना तो थोड़ा बहुत मतलब खा लेंगे। तो चलिए दिखाऊँ मैं आपने आलन वगैरह सब कुछ लगा कर ना, और मैं अपनी सब्जी कुकर बनाया करूँगी। तो गाइस मैंने रख दी इस पर कढ़ाई और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल, और इसमें तेल खत्म हो रहा है, थोड़ा सा ही रह रहा था। और इसमें मैंने सीप ले लिया है और एक चम्मच बेसन गिरा है और यो मतलब मिक्स कर लिया है, और यो भी उबाल कर रख रखा था, इसमें मैंने वो मार ली है मिक्सी। टमाटर भी काट लिए हैं और हरी मिर्च पीस ली है, एक बार और ले लूँ मसालेदानी, क्योंकि इसमें तभी पड़ेंगे मसाले, नमक मिर्च जीरा। तो मैंने जीरा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी राई भी डालूंगी, तेल मारा गरम हो रहा था तो मैंने इसमें डाल दिया है तेल, और एक डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ी सी राई, और फिर डालूंगी मैं इसमें टमाटर, ये हुए पीछे। आप प्याज वगैरह खाओ हो तो भी अभी डाल सको, लहसुन प्याज जो भी कुछ खाओ हो। इसमें डालूंगी इसमें टमाटर और साथ में हरी मिर्च अपने टेस्ट अनुसार, और डालूंगी मैं इसमें हींग। अगर जो हम उसमें हींग डाला है ना तो वो बाफ में मतलब उड़ गया है, तो मैं नो डाला करूँगा इसमें। और इसमें डालूंगी मैं इसे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी आप चाहो तो ना भी डाल सको हो, पर मैं तो डाल लिया करूँ, और नमक टेस्ट अनुसार अपना नमक भी डाल दो। टमाटर में अच्छी तरह होने दो, जब ये टमाटर हो जाएंगे ना तब आगे का बताती हूँ। तो गाइस देख लो टमाटर हो गए हैं, और तेल वेल कुछ नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं तेल थोड़ा कम में डाल लिया करूँ। और ये डालेंगे हम इसमें आलन ने जो गोल रखा है, और मैंने बेसन गोल रखा है, आप बाजरे का मके का आटा भी डाल सको हो, पर मैं हमेशा बेसन का ही लगाया करूँ। और इसमें डालूंगी मैं लिया सब्जी, एक बार थोड़ा सा इसमें यो हिलाते रहना है थोड़ी देर ती, 2 मिनट ती, कड्डी टाइप बन गया। एक डालूंगी मैं इसमें ना हरी सब्जी, या इस टाइम पर ना नू करा करा गणी तो मैंने गैस मंदी कर दी है, और इसमें हिलाऊंगी और मंदी मंदी पे बनेगी भी आग। और पनीर भी मैंने काट कर रख दिया है, पर वो सब तक लास्ट का काम है पनीर का। पालक पनीर में जो करता है हल्दी वगैरह कुछ ना गिरे, क्योंकि उसमें कलर उसा ही रहे पालक पनीर में ना गिरते, पर लेकिन मैंने देखो हरी सब्जी में या प्रॉपर हरी सब्जी होगी है बिल्कुल, और ना इतनी टेस्टी बना है, बना के देखियो। मैं मतलब बनानी तो सब ना है, लेकिन मैं अपना तरीका बताऊँ कि मैंने कुकर बनाई है, ये भी खूब रन देगी और पतली बिना कुल में गणी बस नहीं वो रोएगी। तो चलिए गाइज इसने बना दूँ मैं सहज सहज, और मेरे चाय के बर्तन भी रखे हैं, बर्तन वर्तन सब कुछ मैंने उठा दिया थोड़े तक, तो सर भी गिल्ला है। एक बार पहला तो ही आटा लगाऊंगी, उसके बाद फिर सर सुखा कर ना, और फिर जल्दी तो जाना है जिम में, क्योंकि मेरा वर्कआउट का भी टाइम हो गया है, दवाई लेनी है, 10 बज गए हैं।
सब कुछ लेट लेट होता चला जाना तो फिर लेट हो जाए। दस का समान रहा इसका तो मिलते हैं। गाइस मैं जिम तो आ गई हूँ। पेड़ पौधे देख लो कितने हरे भरे हो रहे हैं और सब क्या कर रहे हैं देखते हैं चल कर। भजन चालन लाग रहे हैं और सारा सब कम संगवाए रखा है। बच्चे पढ़ने लाग रहे हैं तो हनी ट्यूशन पर जा रहा है तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं लस्सी बनाऊंगी न्यू देख लो कितनी बढ़िया दही जम रही है कती चक्के वाली और ऊपर ऊपर की भी काट दी थोड़ी सी कोई सा खागा तो एक बार लस्सी बना दूं और रोटी भी बना दी है एक बार यह रह रही है तो इसनोर बना दूं और रोटी बना दी है और साफ सफाई कर दूं एक बार तक और सब्जी दिखाऊंगी आपने कितनी मस्त बन रही है। तो गाइज सब्जी भी बन गई है और है ना बहुत टेस्टी बन रही है कती खूब रंदी है देख लो इतनी इतनी कम हो रही है यो ढक्कन रंदी है ना तो है ना यो वो उछल उछल खाना छींटे लग गया करे। तो चलिए मैं खाना दे दूँ लस्सी वस्सी मैंने डाल दी है एक बार। तो गाइज मेरी बाड़ा की पीछे लग रही है यार रेतिका है हाय देखो मेरे बाल काट दिए इसने। देख इतने से कही थी मैंने इतने काट दिए इतने 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 और मन फोटो खींच कर दिखा पीछे तो वीडियो बना के कितने काटे आज तक इसने मेरे बाल उड़ा दिए और फिर बाल उड़ा कर ना और देखो प्रेसिंग भी कर दी इम्प्रेस करन लाग रही है मैंने देखो कितनी बढ़िया प्रेसिंग करी है ना मस्त एकदम बढ़िया वाली कर दी रीति थैंक यू। पीछे तो दिखाई बाला न ले आप भी देख लो गाइस कितने बाल उड़ा दिए इसने मेरे गणे का लगा थोड़े भी थे इतने ना काटे इतने इतने तो काटे हैं हर दो तीन बाला किए पर गुड वेरी गुड बढ़िया कट रहे मतलब बढ़िया कर दिए कती ब्रेसिंग ब्रेसिंग कर गाइस और कल मैंने मेहंदी लगाई थी ना शाइनिंग आ रही है हाँ। देखो गाइस बस इसमें है ना मैंने दही घेरी थी और कुछ ना घेरा दही दही में ही बेच थी एकदम तो प्लान बन गया मेरा लगाने का तो इस मारे थैंक यू बेटा। के बनाओ रीति कॉफी तो रीतिका ने बना दी है कॉफी लिया और हनी ने बनाना शेक बना के पिया है एक बाल्टी है दिखाइए बाल्टी एक बाल्टी बनाना शेक और हाथ मेरे बाला पे याद रहेगा मेरा इतने छोटे कर दिए इसने के चलो फिर बच जाएंगे ये तो बालक है बार बार कहूंगी तो छो में भी आ जाएगी कि मम्मी काट तो दिए और इतने बढ़िया कर दिए वो लगा वो करके ना प्रेसिंग व्रेसिंग करके ना तो चलो कोई नहीं कॉफी लेके आओ है आपने भी पीनी होता आ जाओ हम कॉफी पी ले इतने सोमबीर जी ड्यूटी पर चले गए गाइज और वे चाय वाय पी कर ना जाते क्योंकि उनका खाना लेट हुआ है इस मारे और मैं कहूँ ना वे चाय के शौकीन और कॉफी के हैं भी कौन है कहेंगे ना मैं ना पीता तो चलिए मिलते हैं गाइज। तो रीति का कॉफी ले आई है साथ साथ में सरो करी बस लागी है रही उसमें से निकल नहीं रहा है यू नो तो निकल रहा है इतना ना घेरना मन है तब पी का बताऊंगी किसी लागी प्लीज बेटा बहन है तेरी बड़ी नुका बंद कर ले ना बाहर मारूंगा दिखाऊंगी मैं तो मस्त चाय बन रही है गाइस ओ सॉरी कॉफी डंडा ले का बताओ है ना मानो ए मान जा तू फिर पिट के बैठा कर तेरे बस की ना है पहाड़ जैसा इंसान गाइस मैंने रसोई क्लीन कर दी है बर्तन सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए थोड़ी देर में दूंगी और इसमें भुनी है शकरकंदी और गैस मैंने बंद कर दी है कत्ती मंदी पे तो एब अंगूर बंद वो करूँ थी मैं कहा फ्रूट्स खत्म कर दूँ क्योंकि बहुत सारे रखे हैं देखो केले तो भी रह रहे हैं
और अंगूर और भी आगे, अंगूर मैंने खत्म कर दिए थे सारे, यो एक थैली और आगे। तो चलो रितिका ती यार अपने ती मैंने काट भी लिए हैं, तो हम दोनों माँ बैठी ना खान लाग रहे थे, रीति खा भी लिए हैं थोड़े बहुत, तो बैठे थे थोड़ी देर, मगा चाय वाय हमने सब ने कॉफी पी थी, चाय नहीं रीति खानी होगी, फिर कॉफी पी ली थी आज, और मौसम बहुत बढ़िया वाला हो रहा है। हम एक बार ये फ्रूट खा ले, वे फिर आ गए तो वे क्योंकि है ना मैंने के रहा है ना कि मन काट पीट का देने पड़े हैं सब तई, तो चलिए खा लेते हैं अंगूर, खा लो गाइज, और मेरा भाई ना एक थैली और देगा तब ये भी खत्म करने हैं, तो ये जरूरी हो है खत्म करने, तो इन्ना खा ले रीति, खा ले तू भी ना। मैं तो तेन ना बूझती अगर ना खाने खाने जरूरी है ये गाइस, फ्रूट खा कर बिल्कुल भी खुश नहीं कोसा भी बच्चा, मैं ही खा लू पहला। तो गाइस अगर गंदी खा लो देखो इतनी मस्त बुन रही है कती, और थोड़ी देर धड़कन भूल जाओ गैस तक कती, इतनी बढ़िया बुन जाए, खा गई थी ना कदम मुंह जल जाना रहना मीठी है कती, खा ले थोड़ी सी, नो 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 मत खा तो गाइस रेडी हो गए हैं, दूध लेकर आऊंगी आई, और बाहर ना बाहर जा लिया वो एक यो सूट ड्राई क्लीन गियर काने हैं ये कपड़े, इन्हें भी देखूंगी दुकान खुल रही है ना क्योंकि ना बाहर चला गया घूम, अरे इतनी लेट हो गया ई बाया हर बाहर खड़े होकर ना, अरे बोन बजान लाग रहा है, रीति दरवाजा बंद कर बेटा, तो चलिए एक बार दूध लिया, सूट दे दिया है ड्राई क्लीन पीछे, एक जाऊंगे दूध लेने, रोटी बन गई है गाइज, रोटी खा लो, रितिका सीत गाल के देखा होगा हनी ने, और मेरा दवाइया कट्टा है मोरे हाथ, एक बार मैं दवाई ले लूँ पहला और इसने साफ करूंगी। तो गाइज रोटी भी बना ली है और बर्तन वर्तन तो मैंने पहला ही साफ कर दिए थे, किचन क्लीन, ये रोटी डाल ली है अपनी, और दूध का भगोना रह गया है, तो दूध का वो लोटा रह गया है दूध का, तो बर्तन वर्तन तो सब कुछ साफ हो रहा है, जो अब हम रोटी खाएंगे ना और फिर सोमवीर जी खा लेंगे ना, इब जब बर्तन साफ करूंगी इब ये दो चार बर्तन जो होंगे ना इन ही बस साफ ना करूं, दूध दाद के और जो ही बालेंगे वे जब रोटी खाओगे उनके, तो उनके खाना खाने के बाद करूंगी सोमवीर जी के, तो और गाय जी ले आए हैं सोमवीर जी और इसमें से खा लिए गए हैं हनी द्वारा ये ना दो तरह के हैं इसमें, क्योंकि रितिका वाइट नहीं खाती, रितिका ये खाया करे, और रितिका पता है क्यों खाया करे चमचम ने, ये बीच का पार्ट काट दे रसगुल्ला रसगुल्ला सब कुछ खाना चाहिए ओके ठीक है, चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय गुड नाइट।